और इस वक्त की बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां पर व्हाट्सएप का सर्वर पूरे देश में ठप हो गया है। यूजर्स व्हाट्सएप यूज नहीं कर पा रहे हैं, ना ही किसी पर्सनल पे मैसेज भेज पा रहे हैं और ना ही उनको ग्रुप में कोई मैसेज रिसीव हो पा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, व्हाट्सएप का सर्वर इस वक्त ठप हो गया है। देश भर में यूजर्स व्हाट्सएप यूज नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से काफी दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ रहा है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं शेखर जी। शेखर, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्यों व्हाट्सएप का सर्वर ये ठप हो गया है एकदम से, और कब तक ये रिस्टोर हो पाएगा? जी बिल्कुल चेतन, जिस तरीके से व्हाट्सएप का इस्तेमाल आज के जमाने में बढ़ा है, खासतौर पर दिवाली का मौका है, हो सकता है सर्वर के ऊपर जरूरत से ज्यादा प्रेशर पड़ा हो, जिस वजह से सर्वर जो है वो क्रैश हुआ हो। हालांकि लगातार हम ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट्सएप की तरफ से आधिकारिक कोई जानकारी जो है उनके ट्विटर हैंडल के जरिए या फिर मेल के जरिए सामने आए, लेकिन फिलहाल व्हाट्सएप ने आधिकारिक तौर पर इस पर कुछ भी नहीं कहा है। लेकिन जो डेटा को ट्रैक करते हैं डाउन डिटेक्टर नाम से, उन्होंने हालांकि कन्फर्म किया है कि हजारों लोगों को इस पर दिक्कत आ रही है, और जो शहर बताए जा रहे हैं उसमें मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और लखनऊ मुख्यतः प्रभावित हुए हैं, और कई इलाकों में, देश के कई इलाकों में व्हाट्सएप की समस्या से लोगों को जूझना पड़ रहा है। लोग जो है ना सिर्फ मोबाइल पर बल्कि जो उनका डेस्कटॉप जो वेब ब्राउजर पे भी यूज करते हैं व्हाट्सएप, वहां पर भी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और मेजर अगर इसके पीछे कारण देखें तो हो सकता है कि दिवाली पर जिस तरीके से व्हाट्सएप के जरिए मैसेजेस जो हैं, विशेष जो हैं, जो उसके अलावा जो GIF इमेजेस होती हैं उनका जो सर्कुलेशन होता है, उस वजह से शायद हो सकता है कि लोड ज़्यादा पड़ा हो। हालांकि इंतजार है कि आधिकारिक तौर पर व्हाट्सएप इस पर क्या कहेगा। करीब 1:15 बजे से बताया जा रहा है कि ये व्हाट्सएप जो है वो डाउन है। हालांकि जो पेरेंट कंपनी है मेटा व्हाट्सएप की, उसकी तरफ से बयान आया है कि वो इस पर इसको ठीक करने के लिए काम कर रहे हैं और जल्द से जल्द ये है दुरुस्त कर दिया जाएगा। तो ये मेटा की तरफ से बड़ा रिएक्शन आया है जो लेटेस्ट अपडेट इस मामले में है। जी चेतन, ठीक है, बहुत शुक्रिया शेखर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बताया ये जा रहा है कि करीब 1:45 बजे से व्हाट्सएप का सर्वर ठप हो गया है देश भर में। लोग जो हैं दीपावली के बाद से लगातार इसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। सुबह से ही यहाँ पर बताया ये जा रहा था कि व्हाट्सएप में कुछ दिक्कत आ रही है, लेकिन 1:45 बजे से इसका सर्वर बिल्कुल ठप हो गया और अब लोगों को काफी परेशानी हो रही है। VK News, राष्ट्र के नाम।